कदई कदई मैं विचारूं कि इन विपता सु मारे जीवन में काई फर्क पड़तो। काको जी केवता हा? मने परमात्मा न्यारो बनायो, उनसु ही मार में फूटरापो ने आनंद और उच्छाव मने उनसु ही मिले। माले काको जी री मौत एक बसरी भिड़ंत में हुई। माने गुजरिया पचे मारो पालन पोषण मारा दादा दादी ही करता हा। मिनक बाता करता हा कि मारो जन्म खोटा नकतरा में हुयो और मारो शराब मारे माँ बाप री मौत रो कारण बनियो। मने लागे ओ मारो लारला जन्मा रो पाप रो फल है। मारा दादा दादी मारो व्याव करान माऊ छुटकारो चावे। मारा सुसरो जी मारे कानी हाँ, वे मारो सावल ध्यान राखता। मारी सासु माऊ हेत तो करती कारण के मैं वाणो वंश पदाउली और वाने पोतो देउली। मारी ननद मासु राजी कोनी ही वा मासु बेर राखती। मारे ब्याह रे माई ने मारो मन गबरीस्तो। जद सु मारा सुसुर जी बीमार पड़िया मारे धनी ने घणो कारज करनो पड़तो। परिवार री सगली पूर्ति करन ताई बाप पर घणो बोझो। मारे जीवन में डर बैठ गयो ठा कोनी आगे काई होसी। जद मैं माँ बनूला तो सगला राजी होवेला लेकिन मैं बांझ रहेगी। घर में मारा हुसूर जी मासू घणो एत राखता हा, बीजो कोई नी राखतो। मैं घणा बीमार हा, ज्यादा बोल चाल कोनी हो ओ देख मारो मन घणो दुखी हो। मारी सासू मन धमकी देवती कि जो पोतो नहीं हुयो तो घरों बारा काड दूला। मारे पड़ोस रे माई ने एक घणी दयालु लुगाई ही। बा मने चाय पीवन खातर बुलाया करती। बी के खुद के जीवन में
घणी अपकाई पण बा घणी राजी दीखती। मारी सहेली प्रेमा सु पूछियो, आ लुगाई मारो इतरो ध्यान क्यों राखे। बा बोली के सतगुरु ईशु और बा के चेला को मार्ग दूजा की मंशाओं को ध्यान राखे है, और आ भी कियो भगवान ईशु मासु हेज करे है और सगड़ा सु करे है। प्रेमासु मैं विनती करी मन्ने प्रभु ईसु को ज्ञान बता, बा घणी दयासु प्रभु ईसु की सगली कथा सुनाई। बा मने सत्संग में आबा को नियुतो दियो, उन जगह सगला मिनक प्रभु ईसु की कथा सुने। मने सत्संग के मायने गुरु जी की वाणी सांतरी लागी और आज ताई याद है। सतगुरु ईसु सु भेजोड़ी अनंत ज्योति, जी को कोई इन ज्योति माते विश्वास करेला वो अनंत जीवन पावेला और पाप और मोतरा भंवर सु बिने छुटकारो मिलसी। बाकी आशीषु आपनो जीवन फूटरो ने घणो खुशहाल होसी। ओ एक समाचार हो जिन्हें सुनबा ताई मारो जीवन घणो तिरसो हो। हे प्रार्थना रा बोल आपा ने सिखावे है के हे परमेश्वर मन असत सु सत माथे ले हा, अंधेरा सु चानना के मायने और मृत्यु सु मन अनंत जीवन में ले हा।
यीशु ही मार्ग है, सच्चाई भले जीवन रे मायने मुक्ति देवन वालो है। यीशु ही मार्ग और सच्चाई भले जीवन के मायने मुक्ति देसी। माँ ने समझायो कि भगवान यीशु की प्रार्थना आपा कदई भी कर सका और जट चावा बटे कर सका। बिना सराय ही प्रभु री आशीष दया घनी घनी है। आगे समझायो प्रभु यीशु चावे के आपा सगला इन आशीष दया ने आपने जीवन में ले लिया। वे मने इत्रो जोश दिलायो के मुँ सदगुरु यीशु महाराज ने मारा गुरु बनाऊं और जन्मा जन्मा तक यीशु री प्रार्थना ने भक्ति करतो रहूं। मैं महाराज यीशु की भी रात प्रार्थना करी ही प्रभु मने सत मार्ग पर चला मुक्ति दे जीवन में शांति दे। मैं इजरत करियो जद मने ठा पड़ी के मैं माँ बनूला। इन समाचार सु घर आला राजी होया, मने पाचो घरे बुलाया, मने पाची घरे ले गया। यीशु लाडला सारे जगरा हो सारे जगरा तारन हार मारे घर आओ जी। हम यीशु के की लठो क्या, हाथा में यीशु के की लठो क्या, बाकी पसली में भालो छिदाय मारे घर आओ जी। आओ आओ मारा यीशु राज मारे घर आओ। मारे छोरी जन्मी ही पण मैं बिको मुंडो कोनी देख सकी। मारो टाबर एक छोरी ही, छोरी होनो एक जुलम है, इन खातर बिने मरनो पड़ियो। मारी सासू मारी छोरी ने मारबा को हुकुम दियो।
काई मैं भी ने माफ कर सकू हूँ, मारा पहला टाबर ने मार दियो, इन खातिर काई मैं कदी खुद ने माफ कर सकू हूँ? नहीं। मने कोई मार्ग सूझे नहीं इन पाप रे कादा सु बारे आई सकूं। मने परमात्मा न्यारो बनायो, उनसु ही मार में फूट रापो ने आनंद और उत्साह मने उनसु ही मिले है। मारा सुसरो जी घना बीमार हा, डाक साहब कियो आ रात बे काढ़े कोनी। मारी सासु मारे माते दोष लगावे कि मारो पग फेरो चोखो कोनी, मने मारवो चावे। मारी छोरी ने तो पहली ही मार काढ़ी, मने घनी दया आवे। मारी ननद मासु माफी मांगी, पछतावो करियो, इन बात सु मैं घणी राजी हूँ। तो मैं बिने समझायो, सतगुरु ईसु मारा पाप माफ करेला, क्योंकि मां में कोई जोगता नहीं है, फिर भी बे मारा पाप माफ करेला, मैं ईसु रा मार्ग में हालूला। मैं बिने बतायो कि परमेश्वर थासु घणो हेत करे और थारो मान बदासी। जिया परमेश्वर थासु घणो हेत करे बिया ही हेत मने थासु करनो चावे। आपा दोनों रण मिलर प्रार्थना करा कि मारा ससुर जी बेगा बेगा सावड़ होवे। जे आ विपदा मारे जीवन में नहीं होती तो मारो जीवन क्यान को होतो, मारे जीवन में काई फरक पड़तो। प्रभु यीशु अबकी सु अबकी दशा ने चोखी दशा बनाई सके।